हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संतोष सर, यूनिक कंसेप्ट ऑफ हिस चैनल से। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो एक चैप्टर नहीं, दो चैप्टर नहीं, ए टू जेड चैप्टर कंप्लीट कराता है और आपके लिए जेई और नीट के लिए बेस्ट कंसेप्ट एंड बेस्ट न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करता है। तो आप नोटबुक और पेन लेकर डेली नोट्स तैयार करते रहिए, वीडियो देखिए और ऐसे फ्रेंड के बीच इसे शेयर कीजिए जिसे इसकी नीड हो और वो फी अफोर्ड नहीं कर सकता हो। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर वेक्टर होता है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज होती है। आइए इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं आज। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ओके, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे आज, फोर्थ प्रॉपर्टीज जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, तो आज फिफ्थ प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसा आपने देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट जब वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। कैसे होता है आपने देखा ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर एन। ये क्या शो करता है, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर एन क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। क्लियर है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा होता है। ऐसा क्यों हुआ, ए बी साइन थीटा क्यों हुआ, तो देखिए मान लीजिए वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो ए क्रॉस बी के लिए हम इस पे बी से इस पे परपेंडिकुलर, बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखते हैं। ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो बी का से इस पे परपेंडिकुलर जब आप डालेंगे तो ये कंपोनेंट क्या होगा, इसका बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा। ओके, तो बी साइन थीटा और ये इसी के कारण, देखिए बी साइन थीटा और ए के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है इसे आप समझ गए हैं। तो आइए अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है, दो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा ये पढ़ रहे हैं। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर
components of two vectors. ओके तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि दो वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होगा। ठीक, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ओके, ए एक्स ए वाई ए जेड ये दो वेक्टर क्वांटिटी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे होता है आप जानते हो ना, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होगा उसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप से। और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा उसे जे कैप से। जो जेड के लॉन्ग होगा उस डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये तीनों देखिए, आई कैप, जे कैप और के कैप, आई और जे के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। जे और के बीच भी 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ये, क्लियर है? तो वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने लिखा है और वेक्टर बी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हुआ। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर्स। ओके, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट में क्या किया जाता है? देखिए, इसमें डिटरमिनेंट का यूज किया जाता है, डिटरमिनेंट के रूल को यूज करते हैं बाय रूल ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, डिटरमिनेंट का रूल क्या है जरा देखिए, इसमें कहना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आप इसको दो पैरेलल लाइन के अंदर आप इसके मैग्नीट्यूड को शिफ्ट करना है। आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई कैप में वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या है? ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। फिर बी का कंपोनेंट क्या है? आई कैप बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ओके, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड ये कंपोनेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसमें आपने अरेंज तो कर दिया, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, देखिए आई कैप है ना, जब मैं यहां पे फर्स्ट में आई कैप जब लिखूंगा तो आई कैप को इसको गायब कर देना, डिसअपीयर कर देना है, ये डिसअपीयर हो जाएगा, इसको मुझे काउंट नहीं करना है। रेस्ट क्या हुआ? नेक्स्ट क्या हुआ? जे कैप एंड के कैप, जे कैप एंड के कैप के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। नो दिस
अंजिस। तो इसे लिखेंगे कैसे, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, इसके बाद क्या होगा, फिर जे कैप की बारी है, प्लस लिखेंगे जे कैप। जब आप जे कैप को लिखते हैं ना तो फिर डिसअपियर कौन होगा, कौन गायब हो जाएगा इसमें, जे कैप, जे कैप का टर्म गायब हो जाएगा, और जो आई और के है इसके बीच रिलेशन लिखेंगे। तो ए एक्स और बी जेड है ना, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, ओके। इसके बाद का क्या स्टेप लिखेंगे आप, के कैप नो, अब के कैप लिखना है, तो के कैप, फिर के कैप का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल रहेगा, फिर आई और जे के बीच रिलेशन लिखेंगे, क्या रिलेशन लिखेगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई होगा ना, ए एक्स बी जेड, सॉरी आई और जे के बीच है ना, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये रिलेशन होगा। इससे हम क्रॉस प्रोडक्ट इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लोग कहीं कहीं पे, जैसे बुक में भी देखिएगा, किसी किसी बुक में दे दिया है रहता है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इस टर्म को मैं रिवर्स करूँ, इसे फर्स्ट में और इसके बाद में करूँगा मैं अगर, तो क्या यह माइनस लिख सकता हूँ ना, माइनस लिखा जा सकता है। अगर मैं इस टर्म को पहले लाऊं और इसको बाद में, तो माइनस हो जाएगा वो टर्म, क्या होगा, आई कैप ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस जे कैप यहां पे बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड, ओके, एक्स बी जेड, फिर यहाँ पे प्लस होगा, प्लस नेक्स्ट जैसे है वैसे सेम रहेगा, के कैप ए एक्स बी वाई प्लस, सॉरी माइनस होता है, माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो, क्लियर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ में आ गया आपको, क्या चेंज किया आपने, यहां माइनस करने का सेंस ये है कि आपने इसको रिवर्स किया है, इसे फर्स्ट में और इसे बाद में रखा, इसलिए माइनस करते हैं, नहीं तो आप फर्स्ट स्टेप से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस देने से परेशान नहीं होना है, ओके। तो ये फॉर्मूला हुआ, ये रूल हो गया, इसका ये फॉर्मूला हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें हमने क्या क्लासिफाई किया है, दो डिफरेंट टाइप्स से इसके रूल को हमने, हम लोगों ने लिखा है, एक पार्ट ये हुआ आप ऐसे सॉल्व कीजिए या ऐसे सॉल्व कीजिए, दोनों के कहने का सेंस सेम है, ओके, सेम आंसर आएगा दोनों में से, किसी पे भी आप सॉल्व करेंगे तब, ठीक। तो आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आइए एक बेस्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे, ताकि कंसेप्ट समझ में आए, क्वेश्चन तो हमें कंसेप्ट को सिखा देता है ना,
कंसेप्ट को सीखने के लिए हमें न्यूमेरिकल करना पड़ता है। तो देखिए इस पे कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपने जो देखा ये डिटरमिनेंट के रूल पे क्रॉस प्रोडक्ट किसका, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मेन मैटर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप ना, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप। ये इक्वेशन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे आप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा बाय डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो आई कैप का कोफिशियंट क्या है, आई कैप को किस नंबर से मल्टीप्लाइड है, वो आई कैप क्या है कोफिशियंट इसका, थ्री है, एक्स के जगह पे एक्स हुआ। इसमें ए वाई में क्या लिखेंगे आप, माइनस है तो माइनस को भी लिखना पड़ता है, इसमें साइन के साथ लिखना पड़ता है, माइनस टू लिखना पड़ेगा। फिर के कैप क्या है, फोर होगा, माइनस जहां भी रहे उसको आप इग्नोर नहीं करना है, माइनस के साथ साइन के साथ विथ साइन आपको इसे नोट करना है। अब क्या होगा, तो बी वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस टू आई कैप है ये, तो बताइए बी में क्या लिखूं मैं, माइनस टू, फिर यहाँ पे b, यहाँ पे 4 और फिर ये 3 होगा, तो क्या लिखेंगे, क्या होगा इसका नेक्स्ट स्टेप, 2 और 3 है तो i कैप, क्या i कैप का टर्म डिसअपियर हो जाएगा ना, क्या करेंगे आप, माइनस टू एन थ्री, माइनस टू इंटू थ्री लिखना होगा, फिर यहाँ पे माइनस फोर इंटू फोर, प्लस जे कैप जे कैप, तो जे कैप में ये टर्म डिसअपियर होगा, होगा क्या, फिर ये थ्री इंटू थ्री माइनस माइनस टू इंटू फोर, इसे हम लोग कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रखिए, ओके कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद के कैप प्लस के कैप, क्या लिखेंगे, के कैप तो डिसअपियर होगा, थ्री इंटू फोर और माइनस टू इंटू माइनस टू, के कैप के बाद थ्री इंटू फोर माइनस माइनस टू इंटू माइनस टू, ये होगा, देखिए क्या आता है, माइनस टू और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस सिक्स
और माइनस 16 प्लस ये जे कैप, ये कितना आएगा 9 माइनस और माइनस 8 क्या होगा, प्लस 8 हो जाएगा ना, फिर प्लस के कैप, ये क्या होगा 12 और माइनस, ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा तो 4 हो जाएगा। इतना कितना लिखेंगे आप, 16 और 6 को जोड़िएगा तो माइनस 22 आई कैप प्लस 17 जे कैप प्लस 8 के कैप, ओके ये आंसर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमने कंसेप्ट को सिखाने के लिए एग्जांपल लिया है, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन कोई भी इसी टाइप से करेंगे, क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड करना है वो इसी टाइप से करना है। तो प्रोसेस समझ में आ गया है ना, प्रोसेस पे ध्यान देना है, समझ गए तो इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, रूल तो वही रहेगा, सेम रूल रहेगा। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बेस्ट प्रॉपर्टीज को। ओके अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट का, ये देखने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा, जरा इसे देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जरा देखिए, मान लीजिए क्या ये आपका एक वेक्टर इधर है, वेक्टर ए और एक वेक्टर बी इधर है, वेक्टर बी है, इससे जब हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे बी का कंपोनेंट इधर क्या होगा, बी साइन थीटा होगा ना, बी साइन थीटा, इसके बीच का एंगल ये थीटा होगा, तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना। इस ट्रायंगल का मैं पूछूं आपसे, यहां पे अगर आप इसको मिला दीजिए, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, नेमिंग कर दीजिए ओ पी एंड क्यू, तब क्या होगा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट होता है क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना होगा इसका ओपी, ओपी वेक्टर इंटू हाइट क्या है पी क्यू, ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू, यहां पे मैं एल लिख देता हूं क्यू एल, क्यू एल वेक्टर हाफ इंटू ओपी क्या है ए, ए का मैग्नीट्यूड रखूंगा, और फिर ये क्या है क्यू एल कितना है बी साइन थीटा है ना, साइड में तो डायरेक्शन नहीं होता है ना, इसलिए इसे अभी आप विदाउट डायरेक्शन लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्या आया, क्या ए बी,
ए और बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के बदले क्या मैं इसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकता हूं ना, तो ये होता है ठीक क्रॉस प्रोडक्ट का यूज ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यही हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या होगा, सिक्स के बाद सेवन नंबर प्रॉपर्टीज नंबर सेवन, ये क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये भी क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है, तो आप क्या करेंगे यहां पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए भी, तो आइए देखते हैं इसका कहना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो टू इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, टू इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, टू इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो पहले मैं फिगर ड्रा कर देता हूं फिर मैं इसकी बात करूंगा। फिगर क्या होगा जरा देखिए, आपने देखा पैरेललोग्राम ड्रा करना पड़ेगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इसके बीच का एंगल ये है थीटा, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, इसका बी कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। मान लीजिए कि आप यहां पर कोई मिरर रख दिए, मिरर यहां पर जब कोई मिरर रखेंगे तो इसका इस साइड का फिगर बिल्कुल इस साइड दिखेगा, हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं बी को इस वेक्टर बी को मैं यहां पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं ना, पैरेलल शिफ्टिंग पर है ना, वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद वेक्टर ए को भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे हो ये वेक्टर ए है क्लियर, तो इसमें परपेंडिकुलर कैसे होगा फिर बी का, यही होगा ना, तो इस ये लाइन इसके पैरेलल है तो दोनों साइड सेम होगा, बी साइन थीटा ही होगा, क्या लगता है ये ट्रायंगल डबल ट्रायंगल हो गया ना। अगर मैं एरिया ऑफ डबल ट्रायंगल फाइंड आउट करूं तो पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा मुझे, इसीलिए लिखा गया है टू इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड आउट कर चुका है हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसे आप लिखेंगे हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, फिर क्या होगा टू से टू कैंसिल, ओनली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से फाइनल कर देते हैं, हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओके। जब असाइनमेंट आपको मिलेगा ना उस पे इन सब पे सारे पे क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, जब आपके माइंड में ये कंसेप्ट रहेगा तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, आ गया ना समझ में।
और ये है यूनिक कंसेप्ट, बेस्ट कंसेप्ट, यूनिक कंसेप्ट यही है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, इस पे बेस्ड जब आपको क्वेश्चन, जब आप ये कंसेप्ट नहीं जानते हैं और इस पे क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये है यूनिक कंसेप्ट। ओके, नोट कीजिए फिर। तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए ऐसे फ्रेंड के भी जिसे नीड हो और जो फ्री अफोर्ड नहीं कर सकता हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।